आज हम बनाएंगे गुजराती स्पेशल दाल ढोकली। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी ये कैसे बनानी है। बिल्कुल हेल्दी डिश है और सभी को बहुत पसंद आती है और ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दाल की तैयारी करने के लिए मैंने ली है 3/4 कप तूर दाल। अक्सर दाल ढोकली में सिर्फ तूर दाल का इस्तेमाल होता है, बट क्योंकि मूंग दाल डाइजेशन के लिए बेटर रहती है तो मैंने इसमें तूर दाल का भी इस्तेमाल किया है। अब इन दोनों दालों को हम अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। और फिर इसे पकाएंगे, जिसके लिए मैं इसे कुकर में डाल के इसमें 3 कप पानी डाला है और इसे पकने दीजिए। जब तक हमारी दाल पक रही है हम ढोकली के लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए लीजिए 1 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप बेसन। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच तेल। इन सब चीज़ों को पहले तो हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें जाएगा पानी। इसमें मैंने धीरे धीरे करके पानी 1 कप डाला है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। जो आटा हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा रोटी से सख्त बनाइएगा। और ये बना के देखिए ये रेडी है। आटा बनने के बाद भी आप इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से मलिएगा और फिर 10 मिनट हम रेस्ट होने देते हैं। देखिए हमारी दाल अब बिल्कुल रेडी है, तो इसे मैं चर्न कर लेती हूँ। और अब बढ़ते हैं हमारे दाल ढोकली के तड़के की ओर, जिसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 साबुत काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 से 2 साबुत कश्मीरी मिर्च, 1 तेज पत्ता और इसमें मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर काट के डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम डालेंगे हमारी दाल। दाल डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले, जो है हल्दी, फिर मैंने डाला है कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा रंग आएगा हमारी दाल ढोकली को, और फिर डाल रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर जो दाल ढोकली को थोड़ा सा तीखापन देगा, और अब जाएगा धनिया जीरे का पाउडर। फिर हम डालेंगे इसमें साबुत सिंगदाने और जाएगा गुड़। साथ ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं। और 1 कप मैं इसमें पानी भी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद आपको लगेगा कि शायद आपकी दाल बहुत पतली है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम हमारे आटे की इसमें ढोकली डालेंगे तो जो पानी है वो ये ढोकली सोख लेगा, तो हमारी दाल आगे बढ़कर काफ़ी गाढ़ी होने वाली है, तो इसीलिए पानी ज़रूर। अब इसे बॉईल आने तक हम पकने देते हैं। तब तक हम फिर से जाते हैं हमारे आटे की ओर। इस आटे का देखिए हम इस तरह से गोले बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं, पर उससे थोड़ी बड़ी साइज की बनाइएगा और फिर बिल्कुल रोटी की तरह इसे बेलिएगा। ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला बनाइएगा, इसकी थिकनेस मीडियम रखिए। इसी तरह हम सारी रोटियाँ बेल लेंगे और फिर हमें इसे काटना है। देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइंस करके हमें सीधा काटना है और फिर तिरछा भी काटना है, ताकि हमें मीडियम साइज़ के ऐसे देखिए चौकोन ढोकलियाँ मिले। अगर आपके साइज़ थोड़े छोटे छोटे पतले छूट जाते हैं तो वो निकाल के आप फिर से आटे के साथ मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको दाल ढोकली की प्रिपरेशन पहले ही करके रखनी है तो आप ये तड़का डाल के दाल अलग से साइड में रख सकते हो और ये जो आटा है उसे बेल के इसकी रोटियों को हल्का सा सेक के साइड में रख सकते हो, और जब खाने की बारी आएगी तब इसे कट करके आप डाल दीजिएगा और बस एक उबाल लाइएगा। ये ढोकलियाँ सारी कट करने के बाद मैं डाल रही हूँ इसे हमारे इस दाल में और मिक्स करके 5 से 6 मिनट इसे पकने दीजिएगा।
तक तक एक उबाल नहीं आता। याद रखें, ये दोपड़ी डालने के बाद आपको इसे चलाते रहना है। अगर आप इसे नहीं चलाओगे तो ये जो दोपड़ियाँ है वो नीचे सेट हो जाएगी और आपके बर्तन को नीचे चिपक जाएगी, तो बीच बीच में इसे हिलाते रहिएगा। और डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस। अब देखिए, ये दाल ढोकली बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिएगा लंच में या डिनर में। ये एक होलसम हेल्दी कंप्लीट मील है। गार्निश कीजिएगा इसे हरे धनिए के साथ। बहुत ही टेस्टी डिश है, गुजरात की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिशेस में से ये एक है। इसे ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये डिश कैसी लगी। Thanks a lot for watching this video. Bye.